मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मुझे इस अवसर पर कुछ शब्द बोलने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। हमारे देश में हर साल 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्मदिवस पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, बच्चे प्यार से उनको चाचा कहकर बुलाते थे। चाचा नेहरू ने देश के बच्चों के कल्याण के लिए कई कार्य किए। वह भारत में बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। उनका मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हें अनुशासन, स्वच्छता, महत्वाकांक्षा अर्थात उनके गोल एम आदि वैल्यूज के बारे में सिखाया जाना चाहिए ताकि वे बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बने। इस दिवस को हम बड़े ही हर्ष व उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन हम देश के महान नेताओं को श्रद्धांजलि भी देते हैं। साथ ही साथ इस दिन को मनाने का कारण देश भर के सभी बच्चों को उनके अधिकार दिलाना भी है, जैसा कि बालकों को शिक्षा प्राप्त करवाना। आज भी भारत में 3.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इनसे ज़्यादा इनमें सबसे भी और जो 3.5 करोड़ बच्चे हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो लड़कियों की है, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। तो हमारा लक्ष्य हो कि हर बच्चा स्कूली शिक्षा प्राप्त करे। दूसरा अधिकार, बालकों में पोषण की कमी। बालकों को पर्याप्त भोजन यानी न्यूट्रिशन न मिलने के कारण बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। भारत में आज भी 40% बच्चे भोजन प्राप्त नहीं कर पाते। बच्चों का पहला स्कूल उनका घर होता है, माता पिता बच्चे के प्रथम शिक्षक होते हैं, ये उनके भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। चाचा नेहरू ने सभी माता पिता से अनुरोध किया था कि वे अपने बच्चों को उचित पालन पोषण करें। तीसरा, बाल श्रम चाइल्ड लेबर। वैसे तो अनेक नियम कानून बने हैं और हमारे संविधान में इस चीज़ का उल्लेख भी है, फिर भी बाल श्रमिकों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। बाल श्रमिक से तात्पर्य स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बजाय बच्चों का किसी फैक्ट्री में काम करना, किसी चाय की होटल में काम करना या किसी ऐसा काम करना जो उसकी स्कूली शिक्षा को रोकता हो, वो बाल श्रम की कैटेगरी में आता है। अतः इन बच्चों का सही स्थान स्कूल है, न कि कल कारखाने या फैक्ट्रियां। बच्चों के सामान्य अधिकार में आपको बताना चाहूंगा जो उन्हें अवश्य मिलने चाहिए, जैसे कि सभी बच्चों को माता पिता और परिवार द्वारा उचित देखभाल और प्यार मिलना चाहिए। उन्हें स्वस्थ हेल्थी फूड, साफ कपड़े, सुरक्षा मिलने चाहिए। बच्चे को हमेशा स्वस्थ रहने का माहौल मिलना चाहिए। बच्चों को शिक्षा का उचित और अच्छा स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। बीमारी की स्थिति में विशेष देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। अब हम नेहरू जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। नेहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू व माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू फेमस बैरिस्टर उस समय के जो वकील होते थे उनको बैरिस्टर कहा जाता है, बैरिस्टर थे तथा समाजसेवी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इनकी जो शिक्षा हुई थी देश और विदेश के बड़े नामी विद्यालयों और बड़े यूनिवर्सिटीज में इनकी शिक्षा प्राप्त की। लौकिक शिक्षा इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से प्राप्त की, फिर उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में इन्होंने जूरिस्ट होता है जो कानून शास्त्र की जानकारी रखता है और कानून शास्त्र की जो डिग्री प्राप्त करता है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जूरिस्ट की कानून शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद नेहरू जी भारत आए, यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। 1912 में नेहरू जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर यानी वकील के रूप में कार्य शुरू किया। 1916 में नेहरू जी का विवाह कमला नेहरू से हुआ।
1917 में वह होम रूल लीग भारत में स्वराज से जुड़ गए। होम रूल लीग एक आंदोलन था जो 1916 में शुरू हुआ। एनी बेसेंट और जो तिलक थे उन्होंने इस आंदोलन को पूरे भारत में प्रचार किया और नेहरू जी भी इस आंदोलन का अंग बने। 1919 में नेहरू जी महात्मा गांधी के संपर्क में आए और इनके जीवन का प्रथम सत्याग्रह रोलेट एक्ट का विरोध था। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिस कानून में बिना वकील बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। अतः इसका विरोध करने के लिए गांधी जी के साथ नेहरू जी आए और 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन में भाग लिया और तथा पहली बार ये जेल गए। भारत की आज़ादी में जो व्यक्ति पहली बार जेल गया जिसका योगदान भारत की आज़ादी में है वहीं से उसकी स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का प्रारंभ माना जाता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और गांधी जी को नेहरू जी में भारत का एक महान नेता नजर आता था। 1929 में नेहरू जी को कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेजेंट बने। इसी वार्षिक अधिवेशन में 1929 में नेहरू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। इसी वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और इस अधिवेशन का आयोजन लाहौर में वर्तमान पाकिस्तान में आयोजित किया गया। 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने भारतीय ध्वज को लहराया तथा इस दिन को आज़ादी का दिन मनाना शुरू किया और उनके कहने पर ही 26 जनवरी 1950 को इस दिन को भारत का गणराज्य दिवस स्वीकार किया गया। इसी वर्ष 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में नेहरू जी ने भी गिरफ्तारी दी तथा 1945 तक 3 साल तक वो जेल में रहे और बाद में बाहर आए। 1946 में भारत की जो रॉयल आर्मी थी उसने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह करने के बाद उसके जितने भी नेवल ऑफिसर थे उन ऑफिसर पर मुकदमा चला। इस मुकदमे को लड़ने के लिए नेहरू ने लगभग 20 साल बाद वापस बैरिस्टर यानी वकील की ड्रेस पहनी और कोर्ट में उनका केस लड़ने के लिए आए। फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव हुए। इन चुनावों में दावेदार सरदार वल्लभ भाई पटेल आचार्य कृपलानी तथा नेहरू थे। हालांकि आचार्य कृपलानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू की तुलना में ज़्यादा वोट मिले फिर भी गांधी जी की पसंद होने के कारण नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद नेहरू जी लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद भारत को सही तरह से गठित करके एक मजबूत राष्ट्र की नींव डाली। महिला उत्थान आंदोलन में नेहरू जी की भूमिका। भारत के संविधान का आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की बात करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1950 में हिंदू कोड बिल को पास करवाने का प्रयास किया। हालांकि ये बिल पास नहीं हो सका। इस कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस कार्य को नेहरू जी ने आगे बढ़ाया और 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ। हिंदू मैरिज एक्ट पास होने के बाद महिलाओं को तलाक लेने का शादी करने का तथा रीमैरिज करने का अधिकार मिला। इसी क्रम में 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट पारित हुआ जिसमें महिलाओं को भारत में प्रथम बार संपत्ति का अधिकार मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी के सम्मिलित प्रयासों से महिलाओं को अब संवैधानिक हक अधिकार प्राप्त हुए तथा महिलाओं की समाज में स्थिति मजबूत हुई। देखो क्या होता है, किसी भी समाज में महिलाओं की अगर स्थिति मजबूत करनी है तो एक तो होता है सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही। इसके साथ ही साथ में रूल ऑफ लॉ होता है यानी कानून होता है। जब तक किसी को कानूनी हक नहीं मिलता किसी चीज़ के बारे में, जैसे महिलाओं को भारत आज़ाद नहीं हो उससे पहले संपत्ति का अधिकार नहीं था, विवाह करने का उनकी मर्जी से अधिकार नहीं था, पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था और तलाक लेने का भी अधिकार नहीं था,
तो जब ये कानून के जरिए इस चीज को संसद से पास किया गया तो ये अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुए। इसके बाद 1950 के बाद उन्होंने गुट निरपेक्ष की नीति भी अपनाई, जो कि अपने आप में जैसे क्या हुआ कि जो सेकंड वर्ल्ड वार था ना, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार शुरू हुआ। कोल्ड वार में सभी देश एक ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे। इस कारण से नेहरू जी ने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना करके अपने आप को देश को पृथक रखा, यानी वो न तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाएंगे न रशियन कंट्रीज के साथ जाएंगे। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो नेहरू जी बहुत दुखी हुए, वो अब लगातार बीमार रहने लगे और 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनका स्वर्गवास हो गया। धन्यवाद। बाल दिवस का इस्तकबाल।